पाकिस्तान को जहां अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल किया है, वहीं इस मुल्क में ऐसे कदीम मकामात भी बकसरत मौजूद हैं जिन्हें दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा रश्क भरी निगाहों से देखते हैं। मौरखीन और तारीखदान जब भी कलम के जरिए तारीख बनाने के लिए निकलते हैं तो पाकिस्तान के ये कदीम मकामात इनके रास्ते का अहम पड़ाव होते हैं। मुमलकत सुल्तनत पाकिस्तान में बुलंदोबांग और जदीद तर्ज तमीर की इमारात जहां मुल्की तरक्की की अकास हैं, वहीं ऐसे मकामात की भी कमी नहीं जो यहां के बशिंदों की अजमत रफ्तार के शाहिद हैं। इन्हीं मकामात में से एक किला दिलावर है जो कदीम तर्ज तमीर का शाहकार है। ये किला चौरिस्तान के वसी अरीज रेगिस्तान में अपनी तमाम तारहियत और रनाई से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों और आसार कदीमा के माहरीन को अपनी तरफ खींचता है। किला मौजगढ़ हो, अमीनगढ़ हो या मोस्ट पॉपुलर किला डेरावर, सरजमीन बहावलपुर में बहुत अहम और पुरानी निशानियां हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये सारे किला जात जो बहावलपुर डवियन में मौजूद थे वो सारे के सारे जो है ना वो टूट फूट का शिकार हैं, बल्कि कुछ किला जात तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। अब जो मसला है किला डेरावर के साथ, तो इसकी सूरत हाल और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही भयानक सतह पर जो है ना वो पहुंच चुकी है और वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बहावलपुर के मशरक में वाकई सराय चौलिस्तान करीबन 15,000 मुरबा किलोमीटर के वसी इलाके पर फैला हुआ है जो सराय थर से होता हुआ भारत की सरहद से जा मिलता है। इस इलाके में ऊँटों के रास्ते में काफिलों की हिफाजत के लिए हर 29 किलोमीटर के फासले पर छोटे छोटे किले बनाए गए हैं जिनके बारे में माहरीन का अंदाजा है कि ये किले 1000 कबल मसीह के दौर के थे और ये तमाम के तमाम अब महज तारीख की किताबों में ही जिंदा हैं। हकीकत में इनका अब कोई नामो निशान नहीं रहा। एक वक्त था जब चौलिस्तान में 400 के करीब किले मौजूद थे, मगर आज किला दिलावर के सिवा तमाम माजी का हिस्सा बन चुके हैं। किला दिलावर चौलिस्तान के हुस्न को चार चांद लगाने और इसकी दिलकशी में इजाफे का बायस है। इसी मकाम पर पहले कोई किला था या नहीं, इस बारे में माहरीन एक राय पर मुत्तफिक नहीं है, मगर कहा जाता है कि यहाँ पर बाकायदा किला जैसलमेर के हिंदू राजपूत राय जजेस भट्टी ने तामीर करवाया था, जबकि बाज रिवायात के मुताबिक किला शहजादा देवराज ने बनवाया था। 1733 ईस्वी में ये किला आवासी हुक्मरानों के कब्जे में चला गया, जबकि 1747 में आवासी हुक्मरानों के हाथों से निकल गया। ये नवाब बहावल खान का दौरे हुकूमत था। ताहम नवाब मुबारक अली खान सख्त जदोजहद के बाद 1804 ईस्वी में किले पर दोबारा कब्जा कर लिया। जहाँ तक किले की तर्ज तामीर का ताल्लुक है तो इसके चारों तरफ आला सुर्ख रंग की ईंटों से 10-10 फसीलें बनी हुई हैं जो सराय चौलिस्तान में मीलों तक वाजे तौर पर दिखाई देती हैं। इन फसीलों की ऊंचाई करीबन 40 फुट है। किले के मगरबी तरफ एक जेरे जमीन तहखाना है। आसपास की शदीद गर्मी के बावजूद इस तहखाने में इतनी ठंडक होती है कि जैसे कमरे में एयर कंडीशन हो। 1849 ईस्वी में नवाब बहावल खान ने किले में एक मस्जिद बनवाई जो दरअसल दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद की तर्ज पर तामीर की गई। किले में ऐसे मकबरे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें सहाबा रसूल और वो मुसलमान मदफून हैं जो इस इलाके में दीन हक की तबलीग के लिए आए थे। इसके अलावा अब्बासी खानदान के मकबरे भी मौजूद हैं। ये किला जिस दौर में बनाया गया था, इन दिनों हुक्मरान हुकूमत के मरकज को महफूज बनाने के लिए दिफाई हिकमत अमली के तौर पर किले तमीर करवाया करते थे जिनकी फसीलों पर भारी तोपें नस्ब कर दी जाती थीं। दुश्मन की अफवाज अगर किले तक पहुंचने में कामयाब हो जाती तो फसीलों से तोपों की गोलाबारी उनके सवार और प्यादा अफवाज के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन बना देती थी। किला दिलावर से भी यही काम लिया जाता था। इसमें एक कैद खाना भी बनाया गया था जिसमें इस वक्त के कई शिकस्त खोरदा और नामवर अफराद को रखा गया। पुराने दौर में क्योंकि बॉर्डर नहीं होते थे तो ये जो है ना ये जो लोग थे ये शाही खानदान था होते हैं तो ये अपनी हिफाजत के लिए और अपनी अवाम की हिफाजत के लिए और अपनी रियासत या अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ये किला जात बनाते थे। किला दिलावर जो अपने दिलकश तर्ज तामीर की वजह से सियाहों और आसार कदीमा के माहरीन की निगाहों का मरकज बना रहता है, अब इसकी हालत अबतर हो चुकी है। इमारत के ज्यादातर हिस्से जो अब्बासी हुक्मरानों की क्यामगाह हुआ करते थे मिलिया मेट हो चुके हैं। किला जो किसी वक्त 3 मंजिलों पर मुश्तमिल हुआ करता था, मगर अब इन मंजिलों का
नाम और निशान तक मिट चुका है। मरकजी राहदारी और छत फट चुकी है। इसकी देखभाल के जिम्मेदारान की इदम दिलचस्पी का ये आलम है कि किले में एक ऐसी खंदक है जहां अगर मोहतात अंदाज में ना गुजरा जाए तो इसमें गिर के जानी नुकसान का अंदेशा हो सकता है, मगर इसके लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। किला अगरचे तारीखी अहमियत का हामिल है मगर इसकी हालत सियाहत के शौकीन उन मकामी और गैर मकामी अफराद के लिए सख्त तकलीफ का बाइस है जो कदीम विरसे के कदरदान है। इससे पहले कि ये बहुत ही कदीम निशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, बल्कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश करूँगा कि इसको सेव करने के लिए, इस निशानी को प्रिजर्व करने के लिए अपने वसायल बुरुए कार लाए ताकि सरेकी वसेब का ये असासा हमेशा हमेशा के लिए सियाहों के लिए और देखने वाली आँखों के लिए महफूज हो जाए। दुनिया भर की हुकूमतें अपने कदीम विरसे के तहफ्फुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरुए कार लाती हैं, मगर पाकिस्तान में कई दूसरे मकामात की तरह किला दरावर की भी यही बदकिस्मती है, इसे कभी भी बतौर सियाहती मकाम तवज्जो के काबिल नहीं समझा गया और ना ही इसे तारीखी मकाम का दर्जा हासिल हो सका, जिसकी वजह से इसकी तामीर मरम्मत और देखभाल पर कोई तवज्जो ना दी गई, जिसका नतीजा ये निकला है कि किला की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि ये किला अब आखिरी से ले रहा है। ये हाथ में थामी चौलिस्तानी रेत की मानद ऐसा ऐसा हमारे हाथ से सिरकता जा रहा है। अगर इसकी बहाली के लिए अमली और हंगामी बुनियादों पर इकदाम ना किए गए तो ये बहुत जल्द रेत के ढेर में तब्दील हो जाएगा और दुनिया भर के सियाह और महरीन आसार कदीमा इस अजीम नज़ारे से महरूम हो जाएंगे।